टेस्ट क्रिकेट हो, ओडीआई या टी20आई, क्रिकेट में एक्सपीरियंस का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। The older players might not be as sharp in the field, but they make up for that with mental sharpness. इसीलिए तो despite the fast pace of the T20 format, बहुत से टीम्स ने एक्सपीरियंस के लिए ऑप्ट किया इन द वर्ल्ड T20। नजर डालते हैं ऑन सम ऑफ द मोर एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स इन द 2021 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड T20। नंबर 5, क्रेग विलियम्स। 1984 में पैदा हुए नामीबिया से क्रेग विलियम्स ने 2007 में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया और 2019 में इंटरनेशनल डेब्यू। अब तक उन्होंने 22 T20Is खेले हैं और 563 रन्स बनाए एट अ हेल्दी एवरेज ऑफ 31.27। अब 2021 T20 वर्ल्ड कप में सिर्फ 3 मैचेस खेलने मिले इन विच ही मैनेज्ड अ टोटल ऑफ 55 रन्स। नंबर 4, ड्वेन ब्रावो। चैंपियन को कोई अपने टीम में कैसे ना ले। The 38-year-old all-rounder Dwayne Bravo has been around the international circuit since 2004 aur aaj bhi fitness ke mamle mein he is right up there with the best. Unke all-round skill ki baat kare and again he can compete with the best. Bahut saalon se MS Dhoni ke go-to man rahe hain for Chennai Super Kings aur IPL 2021 mein bhi Dwayne Bravo ne 11 matches mein 14 wickets nikale with an economy of 7.81. Inka West Indies ke liye performances dekhe to it's not surprising why he is still their number one all-rounder and an immediate pick in the 11. अगर वेस्ट इंडीज को T20 ट्रॉफी फिर से जीतना है तो ब्रावो का फॉर्म और एक्सपीरियंस टीम के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3, शोएब मलिक। दिखते हैं 25 साल के यंगस्टर जैसे, लेकिन है 40 के करीब। 1999 में डेब्यू करने के बाद शोएब मलिक हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ओवर 2 decades। वर्ल्ड T20 में इनके सिलेक्शन के ऊपर काफी चर्चा हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इंडिया के सामने तो ओपनर्स ने ही मैच खत्म कर दिया था, लेकिन अगेंस्ट न्यूजीलैंड शोएब मलिक एक्सपीरियंस केम इन हैंडी। पाकिस्तान 63 for 3 थे 11 ओवर्स के बाद और 135 चेस कर रहे थे। इट वॉजंट अ बिग टारगेट बट इट नीडेड अ काम हेड। शोएब 26 नॉट आउट अलॉन्ग विद आसिफ अली's 27 of 12 saw the Pakistanis win with 8 balls to spare. Shoaib Malik has 118 T20Is under his belt and more than 2,000 runs in the format. Opposition bowlers इन्हें lightly नहीं ले सकते। Number 2, Mohammad Hafeez। प्रोफेसर साहब उम्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिल्की स्मूथ कवर ड्राइव्स अभी भी बरकरार है। At 41, he is the eldest member of this Pakistan side and an invaluable asset. सिर्फ T20Is की बात करें तो हफीज ने 2,440 रन्स बनाए हैं और 61 विकेट्स लिए हैं इन 115 मैचेस। पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं, प्लेयर्स के टेम्परमेंट से वाकिफ है और सबसे बड़ी बात, इन अ टीम फिल्ड विद यंगस्टर्स हु हैव एड्रेनलिन कोर्सिंग थ्रू देयर वेंस, प्रोफेसर साहब के कंपोजर और पेशेंस के पाठ पाकिस्तान के काम आ सकते हैं। नंबर 1, क्रिस गेल। द ग्रैंड डैडी ऑफ T20 क्रिकेट, द यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल 42 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ग्राउंड क्लियर करने की ताकत रखते हैं एंड दैट टू विद ईज। 1000 से ज्यादा छक्के मार चुके हैं इन T20s अक्रॉस द वर्ल्ड और एक बार शुरू हो जाए तो गेल स्टॉर्म को रोकना उतना ही मुश्किल जितना फुल स्पीड में चलती लोकोमोटिव। अपने 22 साल के इंटरनेशनल करियर में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं क्रिस गेल ने और बाउंस बैक करना भी जानते हैं। 18 मैचेस खेले हैं इस साल और सिर्फ 16.8 का बैटिंग एवरेज है। IPL में भी कुछ खास परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए एंड लेफ्ट द पंजाब किंग्स मिडवे, बट वेस्ट इंडीज विल बी काउंटिंग ऑन हिम टू बाउंस बैक एंड टेक द टीम ऑल द वे टू द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड T20। ये थे हमारे 5 ओल्डेस्ट क्रिकेटर्स प्लेइंग इन द 2021 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड T20। Let us know your thoughts on experience versus youth in the comments section. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.